रोस्ट से कहते हैं, मैंने वो बनाया है। तो आप लोगों से वो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं टिक्के का सामान जो है वो रेडी कर रही हूँ। मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ। ये मैंने चिकन लिया है, लेग पीसेस सिर्फ, और उसमें मैं लहसुन और अदरक जो है मैंने उसे ग्रेट किया हुआ है वो, और थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर मैं ले रही हूँ, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लीमू जो है वो 3 लीमूज जो है वो मैंने उसका पानी निकाल दिया था, अब वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब मैं इसे किसी बड़ी सी चीज़ में डालकर अच्छे से जो है वो इन बोटियों पर लगाऊंगी ये सारा सामान। और उससे पहले मैंने इस पे टिक्का मसाला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी लाजमी लगाए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने एक पूरा पैकेट यूज़ किया है। और अब मैंने इसे एक बड़े बर्तन में डाल दिया है और इन पीसेस में अच्छे से सारा मसाला और लेमन का जो पानी है वो सब अच्छे से शामिल करूँगी और इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जितना टाइम के लिए आप छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए, अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और एक ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार होगी इंशाल्लाह। तो मैंने इसका सर ढककर इसे छोड़ दिया था और पूरे 2 घंटे बाद मैंने इसे कोयले के ऊपर जो है अच्छी तरह से पकाया है। यहाँ पर मैंने अपने रोस्ट का जो सामान है वो रेडी किया हुआ है। आप लोगों को मैं एक एक करके बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या डाला है। सबसे पहले मैंने मटन लिया है और यहाँ पर मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं, 4 अदद प्याज लिए हैं बड़े साइज के, और साथ ही मैंने जो है लहसुन और अदरक जो है वो लिया है। एक पूरा लहसुन लिया है मैंने और एक छोटा सा अदरक का पीस लिया है, मैंने उसे कद्दूकश कर लिया था। और ये हमारा जो मटन है वो है। साथ ही में मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च ली है मैंने, और हल्दी जो है वो भी 1 टेबल स्पून ली है। तो ये सब सामान है, इससे हमारा ज़बरदस्त सा रोस्ट जो है वो तैयार होगा। अब मैंने जो है एक पतीला लिया है, इस बर्तन में जो है मैं सारा सामान डाल दूंगी। सबसे पहले मैं चिकन ऐड करूंगी, वही मटन ऐड करूंगी, मेरे मुंह से चिकन निकल गया। सबसे पहले इसमें मटन जो है वो मैं ऐड करूंगी, सारा मटन अच्छे से डाल देंगे इसमें, और उसके बाद जो है हमारे बाकी का जो सामान है वो मैं एक एक करके आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या जाएगा इसके अंदर। मैंने मटन अच्छे से पतीले में डाल दिया है। और अब जो है मैं इसमें लहसुन और अदरक जो है वो डालूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें लहसुन और अदरक जो है वो शामिल कर दिया है। और अब मैं नमक, काली मिर्च और हल्दी जो मैंने ली थी वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसमें कोई तेल वगैरह घी कुछ भी नहीं शामिल होता। और यहाँ पर मैंने जो प्याज लिए थे वो भी मैं शामिल कर दूंगी। और अब आप देख सकते हैं सारा सामान मैंने इसमें जो है वो डाल दिया है। फ्लेम भी ऑन है। अब जो मैं इसमें डालूंगी वो है पानी। मैंने एक बाउल पानी लिया है, आप लोगों को जितना सही लगे आप उतना ले लें। और यहाँ पर अब मैं इसका सर ढक दूंगी और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद चेक करूंगी। अभी हाई फ्लेम थी इसीलिए मैंने जो है जल्दी चेक किया, वरना ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है पकने में।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं साइडों में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसकी फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और इसका सर अच्छे से ढककर इसे छोड़ देंगे। क्योंकि मटन है और मटन जो है वो पकने में जो है ज़्यादा टाइम लगता है, मैंने सबसे पहले इसे ही रेडी किया था ताकि ये अच्छे से जो है वो पक जाए। जब तक हमारा टिक्के का चिकन मैरिनेट होता है तब तक ये भी जो है हाफ पक ही जाएगा, क्योंकि इसे 2-3 घंटे लगेंगे पकने में लो फ्लेम पे। यहाँ पर 30 मिनट्स पूरे हो चुके हैं और हम फिर से चेक करते हैं कि हमारा मटन जो है वो किस हाल पर है। किया था लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा पानी है और इसे पकने में बहुत सारा टाइम भी है। अब हम इसमें देखते हैं कि इस पर चम्मच चलाते हैं ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका सर वापस से ढककर इसे तकरीबन, अब मैं 1 से 2 घंटे बाद ही चेक करूंगी क्योंकि फ्लेम भी लो है और इसके अंदर पानी भी अभी बहुत है। काफी मजेदार बना था ये, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। इसका सर वापस से ढक कर इस पर कोई वजनी सी चीज रखेंगे ताकि ये इसका ये जो है स्टीम पर अच्छे से पक जाए। तो तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद ही हम चेक करेंगे। तब तक आप लोग मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियोस को लाइक कर दे फटाफट। गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं सारा पानी खुश्क हो चुका है और अब इसका चिकन भी जो है वो पक चुका है, इसका जो मटन है वो पक चुका है। बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार हुआ है। मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और साथ ही में मैंने जो है बिरयानी के लिए चिकन बिरयानी का जो कोरमा होता है मैंने वो भी फटाफट से तैयार कर लिया है साइड में, वो भी जो है वो पकेगा। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी देर के लिए फ्लेम ऑन की थी, अब मैं वापस से फ्लेम ऑफ कर चुकी हूँ। बस इसका सर ढककर इसको साइड में कर देंगे, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल व करम से। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो कुछ ख़ास है, कुछ स्पेशल है कि कैसे आप घर में एक अच्छा इवेंट का खाना बना सकते हैं। तो मैंने एक बर्थडे के लिए खाना बनाया है तो आप लोगों के साथ शेयर करना था कि आप लोग घर में खाना कैसे बना सकते हैं एक इवेंट के लिए। तो यहाँ पर मैंने मीठा भी बनाया है और टिक्के भी बनाए हैं और बिरयानी बनाई है और सबसे बढ़िया जो चीज़ मैंने बनाई है वो है मटन, मटन रोस्ट जिसे कहते हैं, मैंने वो बनाया है। तो आप लोगों से वो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं टिक्के का सामान जो है वो रेडी कर रही हूँ। मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ, ये मैंने चिकन लिया है लेग पीसेस सिर्फ, और उसमें मैं लहसुन और अदरक जो है मैंने उसे ग्रेट किया हुआ है वो, और थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर मैं ले रही हूँ तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लीमू जो है वो 3 लीमूज जो है वो मैंने उसका पानी निकाल दिया था, अब वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब मैं इसे किसी बड़ी सी चीज़ में डालकर अच्छे से जो है वो
इन बोटियों पर लगाऊंगी ये सारा सामान। और उससे पहले मैंने इस पे टिक्का मसाला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी लाजमी लगाए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने एक पूरा पैकेट यूज़ किया है और अब मैंने इसे एक बड़े बर्तन में डाल दिया है और इन पीसेस में अच्छे से सारा मसाला और लेमन का जो पानी है वो सब अच्छे से शामिल करूँगी और इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जितना टाइम के लिए आप छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए, अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और एक ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार होगी इंशाल्लाह। तो मैंने इसका सर ढककर इसे छोड़ दिया था और पूरे 2 घंटे बाद मैंने इसे कोयले के ऊपर जो है अच्छी तरह से पकाया है। यहाँ पर मैंने कोयला जो है वो गर्म कर दिया था, उससे अच्छे से बना लिया। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त मीठा कस्टर्ड बनाया है। आप लोग को अगर रेसिपी चाहिए हो तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अगर चाहिए हो तो प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर मैंने अपने रोज़ का जो सामान है वो रेडी किया हुआ है, आप लोगों को मैं एक एक करके बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या डाला है। सबसे पहले मैंने मटन लिया है और यहाँ पर मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं, 4 अदद प्याज लिए हैं बड़े साइज के, और साथ ही मैंने जो है लहसुन और अदरक जो है वो लिया है। एक पूरा लहसुन लिया है मैंने और एक छोटा सा अदरक का पीस लिया है, मैंने उसे कद्दूकश कर लिया था। और ये हमारा जो मटन है वो है, साथ ही में मैंने थोड़ा सा नमक लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च ली है मैंने, और हल्दी जो है वो भी 1 टेबल स्पून ली है। तो ये सब सामान है, इससे हमारा ज़बरदस्त सा रोस्ट जो है वो तैयार होगा। अब मैंने जो है एक पतीला लिया है, इस बर्तन में जो है मैं सारा सामान डाल दूंगी। सबसे पहले मैं चिकन ऐड करूंगी, वही मटन ऐड करूंगी, मेरे मुंह से चिकन निकल गया। सबसे पहले इसमें मटन जो है वो मैं ऐड करूंगी, सारा मटन अच्छे से डाल देंगे इसमें और उसके बाद जो है हमारे बाकी का जो सामान है वो मैं एक एक करके आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या जाएगा इसके अंदर। मैंने मटन अच्छे से पतीले में डाल दिया है, और अब जो है मैं इसमें लहसुन और अदरक जो है वो डालूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें लहसुन और अदरक जो है वो शामिल कर दिया है। और अब मैं नमक, काली मिर्च और हल्दी जो मैंने ली थी वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसमें कोई तेल वगैरह घी कुछ भी नहीं शामिल होता। और यहाँ पर मैंने जो प्याज लिए थे वो भी मैं शामिल कर दूंगी। और अब आप देख सकते हैं सारा सामान मैंने इसमें जो है वो डाल दिया है, फ्लेम भी ऑन है। अब जो मैं इसमें डालूंगी वो है पानी, मैंने 1 बाउल पानी लिया है। आप लोगों को जितना सही लगे आप उतना ले लें। और यहाँ पर अब मैं इसका सर ढक दूंगी और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद चेक करूंगी। अभी हाई फ्लेम थी इसीलिए मैंने जो है जल्दी चेक किया, वरना ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है पकने में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं साइडों में बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसकी फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और इसका सर अच्छे से ढक कर इसे छोड़ देंगे। क्योंकि मटन है और मटन जो है वो पकने में जो है ज़्यादा टाइम लगता है, मैंने सबसे पहले इसे ही रेडी किया था ताकि ये अच्छे से जो है वो पक जाए। जब तक हमारा टिक्के का चिकन मैरिनेट होता है तब तक ये भी
जो है हाफ पक ही जाएगा, क्योंकि इसे 2-3 घंटे लगेंगे पकने में लो फ्लेम पे। यहाँ पर 30 मिनट्स पूरे हो चुके हैं और हम फिर से चेक करते हैं कि हमारा मटन जो है वो किस हाल पर है। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी खुश्क किया था, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा पानी है और इसे पकने में बहुत सारा टाइम भी है। अब हम इसमें देखते हैं कि इस पर चम्मच हिलाते हैं ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और इसका सर वापस से ढककर इसे तकरीबन, अब मैं 1 से 2 घंटे बाद ही चेक करूंगी क्योंकि फ्लेम भी लो है और इसके अंदर पानी भी अभी बहुत है। काफ़ी मज़ेदार बना था ये, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर फ्लेम आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही लो फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ, और इसका सर वापस से ढककर इस पर कोई वजनी सी चीज़ रखेंगे ताकि ये इसका ये जो है स्टीम पर अच्छे से पक जाए। 1 से 2 घंटे बाद ही हम चेक करेंगे। तब तक आप लोग मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें फटाफट। गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं सारा पानी खुश्क हो चुका है और अब इसका चिकन भी जो है वो पक चुका है, इसका जो मटन है वो पक चुका है। जो है बिरयानी के लिए चिकन, बिरयानी का जो कोरमा होता है मैंने वो भी फटाफट से तैयार कर लिया है साइड में, वो भी जो है वो पकेगा। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी देर के लिए फ्लेम ऑन की थी, अब मैं वापस से फ्लेम ऑफ कर चुकी हूँ। बस इसका सर ढककर इसको साइड में कर देंगे, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। साइड में ही मैंने बिरयानी का जो कोरमा होता है वो पकने के लिए रखा था, आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। सब चीज़ें घर में ही बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और बिरयानी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है, आप लोग चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, 2-3 रेसिपीज शेयर की है मैंने। यहाँ पर मैं बेकरी से जो है वो केक ले आई थी, मैंने दो बहुत ही प्यारे केक थे वहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किए हुए थे, मैंने बस ये 2 ही लाए हैं क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। और यहाँ पर मैंने बर्थडे डेकोरेशन भी साथ साथ की है सबकी हेल्प से। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से डेकोरेशन हुई है और हमारा खाने भी जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम टिक्को के लिए जो है वो कोयला रेडी कर रहे हैं। डेकोरेशन हो गई थी, कोयला जो है वो भी रेडी हो गया था, तो हमने जो है, हो सकता है क्लिप आगे पीछे हो गई हो, बट ये आप देख सकते हैं सब सामान बिल्कुल रेडी है। हमारी बिरयानी तैयार है, कस्टर्ड तैयार है, रोस्ट तैयार है और टिक्के भी तैयार थे। तो यहाँ पर हमारे केक कटिंग हो गई थी, वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी तो मैंने नहीं वीडियो में डाली, ठीक है। यहाँ पर हमारा खाना बिल्कुल रेडी था, सब सामान बिल्कुल रेडी था, तो इतना हैवी सर डिनर जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो मैं डिनर करके आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर डिनर ख़त्म हो गया था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था सब सामान। तो डिनर के बाद ग्रीन टी जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ही हैवी डिनर था, तो ग्रीन टी तो ज़रूरी है। ग्रीन टी के
इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप लोगों का खाना जल्दी से हजम हो जाता है और बहुत सारे फ़ायदे और भी है, वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मुझे बहुत सारा सपोर्ट करें, मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 तक तो पहुँचा ही दे। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैं हूँ आपकी प्यारी सोनिया एस के, जो आज आई है एक नई वीडियो के साथ, जो कि आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियो है आज स्पेशली ब्रेकफास्ट पर, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और मुझे लाजमी बताइएगा कि कैसी बनी थी आपकी रेसिपी। तो ये बच्चों को ज़्यादातर बहुत पसंद आती है, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ऐसे ही जब उनको भूख लगे आप लोग उनके लिए इजीली आराम से बना सकते हैं। इसकी चीज़ें भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, हर घर में होती है ये आम सी चीज़ें। तो लाजमी से ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि व्यूज़ आजकल बहुत कम आ रहे हैं और मैं ये वीडियोस आप ही लोगों के लिए तो बनाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट्स लाजमी किया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये लिए हैं मैंने कुछ स्लाइसेस ब्रेड के, और धनिया लिया है कटा हुआ, प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के दो, और ग्रेट किया हुआ चीज़ लिया है मैंने एक बाउल लिया है, और मोज़रेला चीज़ है ये, और कुछ हरी मिर्चें मैंने काट कर रख दी थी। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सामान है जो हर घर में होता है। और यहाँ पर मैंने ब्लू बैंड लिया है और एग्स लिए हैं। एक सैंडविच में हम जो है एक सैंडविच जो है वो दो अंडों से बनाएंगे, आप लोग का जितना मर्ज़ी आप बनाएं। मैंने काफ़ी जो है बहुत ही इजी तरीका निकाला है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने नमक डाला है हाफ़ टेबल स्पून टीस्पून, और काली मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून, मिर्चें डाली है कुछ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, धनिया इसमें थोड़ा सा शामिल किया है और थोड़ा सा ही प्याज शामिल किया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स 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 करेंगे, काफ़ी अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने तकरीबन हाफ टी स्पून जो है चाट मसाले का डाल दिया है, थोड़ा चटपटा भी होना चाहिए ताकि बच्चे इसे शौक से खा सकें। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई में, और उसमें मैंने अपना ये जो तैयार किया हुआ था ये उसमें मैंने डाल दिया है। आप इसे ऑमलेट भी कह सकते हैं, ऑमलेट भी जो है वो ऐसे ही बनता है, बस इसमें ये ब्रेड के स्लाइसेस ना डालें। यहाँ पर मैंने दो स्लाइसेस जो है वो ब्रेड के डाल दिए हैं, और उसके ऊपर मैं जो मैंने बटर लिया था वो अभी यूज़ हो रहा है, मैं अभी जो है ब्रेड के ऊपर लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। गाइज मैं वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको आसानी हो, जिन जिन तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही उन तक भी पहुंच जाए। अब मैं इस ऑमलेट के जो साइड से निकला है वो ब्रेड पर जो है वो उल्टा कर दूंगी, ये आप लोग देख सकते हैं साइड चेंज कर रही हूं मैं, ताकि जो हमारे ब्रेड का दूसरा साइड है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इस पर हमने बटर लगाया था ताकि जो हमारा ब्रेड है वो ज़्यादा तेल जज्ब ना कर ले। और अब मैं इस पर जो मोज़रेला का चीज़ लिया था वो मैं शामिल कर रही हूँ। यकीनन ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अब मैं जो है साइड से जो मेरे ऑमलेट का जो निकला हुआ है वो मैं ब्रेड के ऊपर डाल रही हूँ,
चम्मच की मदद से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और अब हम अपने ब्रेड की साइड जो है वो फोल्ड कर देंगे, एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड डाल देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। शायद मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग देख करके बना लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त बनता है ये। अब मैं इसका सर ढक दूँगी ताकि जो अंदर हमने चीज़ डाला था वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और एकदम चीज़ी सा ज़बरदस्त सा सैंडविच जो है वो तैयार हो जाए। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने बीच में कट लगा दिया था और कितना चीज़ी सा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड करते हैं। ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, व्यूज़ की बहुत कमी है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। तो आज की हमारी वीडियो है मटर आलू का सालन। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक प्याज, दो जवे लहसुन के और चार टमाटर लिए हैं और चार हरी मिर्चें, और ये मैंने मटर के जो छिलके हैं वो निकाल कर मटर के दाने लिए हैं। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा आलू जो है वो इस तरह काट के रख दिया है। तो ये सब सामान है। अब हम अपने मटर की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर में तेल गरम कर दिया है, हमारा तेल गरम है इसलिए मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। अब हम प्याज के फ्राई होने का वेट करते हैं। गाइस, मेरे वीडियोस पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी जो वीडियोस है वो शेयर किया करें ताकि मेरे वीडियोस पर व्यूज़ आ सके। तो यहाँ पर मेरी प्याज फ्राई हो चुके हैं हाफ फ्राई, और उसी में मैंने मटर जो है वो शामिल कर दिए हैं। अब हम मटर के फ्राई होने के बाद जब हमारे प्याज जो है वो गोल्डन हो जाए तभी हम उसमें अपना अगला एक इंग्रेडिएंट डालेंगे। काफी इजी रेसिपी है, आप लोग इजीली घर में जो है वो ये बना सकते हैं। तो हम अब इसमें लहसुन ऐड कर चुके हैं और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्राई होने का वेट करेंगे। लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप लोग के आलू मटर कैसे बने थे। तो यहाँ पर हमारे मटर जो है वो फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें आलू शामिल कर रहे हैं। और साथ ही में इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे और हरी मिर्चें भी, और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आप लोग हसबे जायका जो है नमक ले सकते हो, मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। मैंने स्पाइसेस में लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून और हल्दी भी 1/2 टेबल स्पून। नमक तो हम डाल चुके हैं, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे कि हमारा टमाटर जो है वो पानी छोड़ दे। मैंने 1 ग्लास वाटर लिया था लेकिन मैंने थोड़ा सा ही डाला है इसमें अभी, क्योंकि हमारे टमाटर जो है वो भी पानी छोड़ेंगे। अब मैं इसका सर ढक दूंगी।
दो मिनट के बाद अब हम इसे फिर से चेक करेंगे और फिर बाकी का पानी डालेंगे। और यहाँ पर हमने एक ग्लास पानी जो है और शामिल किया है और अब कुकर का सर बंद करेंगे और पूरे 15 मिनट बाद जो है चेक करेंगे। तब तक आप लोग जाकर मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। आप लोग के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, प्लीज़ कमेंट्स किया करें। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा मटर जो है वो बिल्कुल रेडी है, आलू मटर। और अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, टेस्टी बने थे, थोड़े से स्पाइसी भी थे। आप लोग बनाइएगा ज़रूर, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। और मेरी वीडियोस जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार की वजह से ही मेरा चैनल अभी इतना आगे आया है। तो ऐसे ही अपना प्यार करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, कमेंट्स भी करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ इजी रेसिपी। तो चलिए रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन बोनलेस, जिसे मैंने इस तरह पीसेस में काट लिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं चिली सॉस 2 टेबलस्पून। यहाँ पर लेमन जूस लिया है मैंने। यहाँ पर सोया सॉस लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। हाफ टी स्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून दही। और यहाँ पर मैंने मिक्स वेजिटेबल्स लिए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और हरी मिर्चें हैं, प्याज है और गाजर। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जिसको जितने वेजिटेबल्स पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं क्या लिया है हमने। यहाँ पर मैंने ली है काली मिर्च 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक लिया है हसब ज़रूरत, और लिया है तंदूरी मसाला जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, वरना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो इन सब सामान के साथ हम बनाने जा रहे हैं हमारी आज की रेसिपी। स्पैगेटी रेसिपी है जो कि काफ़ी हेल्दी होती है और मज़ेदार भी लगती है, चटपटी भी होती है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्पैगेटी, जिसे मैं बताना भूल गई थी। तो इसे हमने बॉईल कर दिया था, पानी बॉईल हो जाए तो स्पैगेटी डाल दें। और स्पैगेटी डालने के बाद एक चम्मच ऑयल और नमक हसब ज़रूरत, जितना आप लोग डालते हैं तो डाल दीजिए, और इसे बॉईल कर दीजिए। 5 से 10 मिनट में स्पेगेटी रेडी हो जाएगी, और उसे छान लें। तो चलिए अभी हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर हमने डाल दिया है लहसुन का पेस्ट, अब इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सारे स्पाइसेस, जिसके नाम मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। इसमें नमक भी है, नमक आप लोग अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, जितना आप लोगों को सही लगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अब हम इसमें हमारी दही शामिल करेंगे, 2 चम्मच जो डाली थी, और लेमन जूस, आप चाहें तो सिरका भी ले सकते हैं लेमन जूस की जगह पर, रेड चिली सॉस, और सोया सॉस। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी ये, इसका चिकन अच्छे से तैयार हो जाएगा तभी स्पेगेटी में टेस्ट आएगा। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है ये। अब आप चाहें तो इससे 15 से 20 मिनट मैरिनेट भी कर सकते हैं, मैं बना रही हूँ। यहाँ पर हमने फ्राई पैन रख दिया है, अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अब ऑयल शामिल कर दिया, ऑयल काफ़ी कम यूज़ करेंगे हम। तो हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें अपना चिकन जो हमने रेडी किया था वो शामिल करेंगे। अब हम इसके पकने का वेट करेंगे, ये काफ़ी जल्दी पक जाता है। अब हम इसका सर ढक देंगे और इसे पकाएंगे। ये 10 मिनट्स में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा चिकन रेडी हुआ है या नहीं। चिकन बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और रेडी भी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा मायोनीज़ शामिल करेंगे, 2 चम्मच के करीब, और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें वेजिटेबल्स जो है वो शामिल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे वेजिटेबल्स, यहाँ पर हमने कैरेट शामिल कर दिए हैं, प्याज शामिल कर दिए हैं, मिर्चें शामिल कर दी हैं, और शिमला मिर्च, और बंद गोभी भी शामिल कर देंगे। सारे वेजिटेबल्स शामिल कर देंगे हम इसमें और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा नरम होने तक पकाएंगे। सिर्फ इतना पकाना है कि थोड़े से नरम हो जाए, ज़्यादा नहीं पकाना वरना सब्ज़ियाँ जो है वो पानी छोड़ देंगी, फिर इसका ज़ायका ख़राब हो जाएगा, ज़ायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर अब हम चेक करेंगे, हीट चेक करें आप, और थोड़ा सा नरम हो गया है हमारा वेजिटेबल। अब हम इसमें बंद गोभी भी शामिल करेंगे, क्योंकि इसे पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी तो हमने इसे आखिर में शामिल किया। और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इससे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बाकी वेजिटेबल्स के साथ। सारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें स्पैगेटी शामिल करेंगे आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा करके उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा और डालेंगे। हम इसे अच्छी तरह से शामिल करेंगे इसमें और फिर बची हुई स्पैगेटी भी डाल देंगे। चिकन काफ़ी मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है, तो इससे
स्पेगेटी भी काफ़ी ज़बरदस्त बनेगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि कैसे बनी थी। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रही है। अब हम बाकी की जो स्पेगेटी है वो भी शामिल कर देंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं हमने शामिल कर दी है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं सारी स्पेगेटी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमारी डिश जो है वो बिल्कुल रेडी है, बस थोड़ा सा इसे स्टीम देना बाकी है। हम इसका सर ढक देंगे 5 मिनट के लिए और उसके बाद मैं आप लोगों को इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी करें अगर रेसिपी पसंद आए तो। ना आए तो भी, हाँ सही कहा, ना आए तो भी लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनत की है। अब हमने इसका सर ढक दिया है, 5 मिनट के बाद इसे फिर से चेक करेंगे। तो अब हम इसे चेक करते हैं और इसी के साथ हमारी लजीजा स्पेगेटी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है और यहाँ पर मैंने डिश भी निकाल दी है जिसमें मैं इसे डिश आउट करूँगी। तो इसी के साथ बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। और हाँ एक और बात, मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसे लगी और मैं नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग, लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही लजीज लग रही है। तो ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त स्पेगेटी वीडियो। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे बताइए कि रमज़ान प्रिपरेशन वीडियोस अपलोड करूं। आज की हमारी वीडियो कुछ ख़ास है, कुछ स्पेशल है कि कैसे आप घर में एक अच्छा इवेंट का खाना बना सकते हैं। तो मैंने एक बर्थडे के लिए खाना बनाया है तो आप लोगों के साथ शेयर करना था कि आप लोग घर में खाना कैसे बना सकते हैं एक इवेंट के लिए, तो उससे अच्छे से बना लिया। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त मीठा कस्टर्ड बनाया है। आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए हो तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अगर चाहिए तो बहुत ही प्यारे केक थे वहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किए हुए थे, मैंने बस ये दो ही लाए हैं क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। और यहाँ पर मैंने बर्थडे डेकोरेशन भी साथ साथ की है सबकी हेल्प से। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से डेकोरेशन हुई है और हमारा खाने भी जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम टिक्को के लिए जो है वो कोयला रेडी कर रहे हैं। डेकोरेशन हो गई थी, कोयला जो है वो भी रेडी हो गया था, तो हमने जो है, हो सकता है क्लिप आगे पीछे हो गई हो, बट ये आप देख सकते हैं सब सामान बिल्कुल रेडी है। हमारी बिरयानी तैयार है, कस्टर्ड तैयार है, रोश तैयार है और टिक्के भी तैयार थे। तो यहाँ पर हमारे केक कटिंग हो गई थी, वो वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी तो मैंने नहीं
वीडियो में डाली। ठीक है, यहाँ पर हमारा खाना बिल्कुल रेडी था, सब सामान बिल्कुल रेडी था, तो इतना हैवी सर डिनर जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो मैं डिनर टी तो ज़रूरी है, ग्रीन टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप लोगों का खाना जल्दी से हजम हो जाता है और बहुत सारे फ़ायदे। दो अदद प्याज, लहसुन का पेस्ट हाफ चम्मच, धनिया पुदीने का पेस्ट दो चम्मच, मटर चार अदद, टमाटर, आलू दो अदद, बीफ कीमा, स्पाइसेस में हल्दी, गरम मसाला और मिक्स मसाला, धनिया और मिर्ची, गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए कि वो 1K क्रॉस कर चुका है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने कुकर रख दिया है चूल्हे पर, अब इसे इसमें हम तेल शामिल करेंगे। अब तेल गरम होने लगा है, जब तक तेल गरम होगा तब तक आप लोग जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्याज शामिल करेंगे, प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ अपनी बहुत बड़ी खुशी शेयर करने जा रही हूँ जो आप ही लोगों की वजह से मुझे मिली है। तो वीडियो लास्ट तक लास्ट में देखें। शामिल करेंगे बीफ का कीमा, अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो रही है,
देख सकते हैं कि मैंने कितना पानी छोड़ दिया है। इस पानी के खुश्क होने के बाद ही हम कुछ और ऐड करेंगे इसमें। 10 से 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद ही हम कुछ और डालेंगे इसमें। अब पानी खुश्क हो चुका है, अब इसमें हम मटर शामिल करेंगे। मटर शामिल कर दिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। काफी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें धनिया पुदीने का जो पेस्ट है वो शामिल करेंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमारे टमाटर भी इसमें शामिल कर देंगे और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक हसबे जायका, नमक शामिल हो चुका है, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, ये टेस्ट भी उतना ही अच्छा टेस्टी होगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम कर दी है हमने और इसका सर ढक देंगे। 5 से 10 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, हमने इसका सर खोल कर देख लिया। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, 1 ग्लास पानी, और मिक्स करेंगे। अब हम इसका सर ढक देंगे और अब कुकर हमने बंद कर दिया है। अब हम इसे 15 मिनट के बाद चेक करेंगे, तो मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। इसे आपको डिश आउट करके दिखाएंगे, बहुत ही जबरदस्त बना है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी देर हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम ऑफ करके आप लोगों को डिश आउट करके दिखाऊंगी।
काफ़ी मज़ेदार कलर आया है, काफ़ी अच्छी खुशबू है, ट्राई लाजमी कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा कि कैसे आप लोगों ने ट्राई किया है या नहीं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भूख लग गई। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। हमारी आज की रेसिपी उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को। अब बारी है हमारे सरप्राइज की, जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा आज का सरप्राइज। तो सरप्राइज ये है कि मेरे चैनल ने 1K सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसी खुशी में केक मंगवाया है और सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करूं। तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने ये चैनल स्टार्ट करने से पहले मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये भी दिन आएगा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, बट फाइनली आ गया। तो यहाँ मैं, मेरे दो छोटे भाई, हम लोग केक कट कर रहे हैं। तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये खुशी शेयर कर लूँ। बहुत 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 शुक्रिया मुझे ये दिन दिखाने के लिए। मेरी YouTube फैमिली बन चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सब आप ही लोगों की वजह से हो पाया है। इसी तरह अपना प्यार दे